आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। हमने इसमें ये प्रूव करना है कि k की तमाम वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन की रूट्स रियल हैं, और रूट्स आपके पास उस वक्त रियल होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। और ये बात मैंने आपको बुक में भी पढ़ाई थी, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ। आप अपनी बुक का पेज नंबर 19 ओपन करें। यहाँ पर मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स के 4 पॉइंट्स पढ़ाए थे। इसका पहला पॉइंट है आपके पास, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, मीन के पॉजिटिव हो, तो जो आपकी रूट्स होती हैं वो रियल होती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक और कंडीशन दी हुई है कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये ज़रूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर भी हो। क्योंकि अगर हम इसका दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पर भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपकी रूट्स हैं वो रियल हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर हम उस वक्त चेक करते हैं जब हमने ये बताना हो कि रूट्स आपकी रैशनल हैं या नहीं, अदरवाइज़ हम ये कंडीशन नहीं देखते। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमने जस्ट यही प्रूफ करना है कि आपकी रूट्स रियल हैं या नहीं। तो उसमें हम जस्ट यही देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है या नहीं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, मीन के पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब रूट्स रियल हैं। आई होप आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। बाकी जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में एक बार फिर से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 बाई के इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देन हम इसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है और इसके साथ 1 मौजूद है, सो आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी आपके पास इक्वल आ जाएगा माइनस 2 इंटू के प्लस 1 बाई के, देन सी आपके पास आ जाएगा 4। यहाँ पे हमारी इक्वेशन में 4 दिया हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स हैं जहाँ पे आपको 3 लिखा हुआ नज़र आएगा। जो पुरानी बुक्स हैं उसमें आपके पास 3 है, लेकिन जो अब आपके पास न्यू बुक्स हैं, न्यू एडिशन की बुक्स हैं, उसमें यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। सो आपने इसमें परेशान नहीं होना। अगर आपके पास 3 होगा तो आपने यहाँ पे 3 रख के इसको सॉल्व करना है, और अगर आपके पास यहाँ पे 4 दिया गया होगा तो आपने 4 रख के इसको सॉल्व करना है। दोनों सूरतों में ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की ये वैल्यू आएगी माइनस 2 इंटू के प्लस 1 बाई के होल का स्क्वायर माइनस 4a, a आपके पास 1 है, देन आपके पास c आ जाएगा और c 4 है। सो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास। देन नेक्स्ट आ जाएगा k प्लस 1 बाई के होल का स्क्वायर माइनस, इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 हो जाएगा। सो यहाँ आएगा माइनस 16। देन हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 4। यहाँ पे हम इस ब्रैकेट का स्क्वायर ओपन करेंगे, आपके पास वैल्यूज़ आएंगी के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 बाई के प्लस 1 बाई के होल का स्क्वायर माइनस 16। देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2, के साथ कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास आएगा प्लस 1 बाई के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 बाई के स्क्वायर, देन आएगा माइनस 16। नेक्स्ट स्टेप में 4 को हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 4 के स्क्वायर, देन आ जाएगा 4 2 8, देन यहाँ से आएगा 4 बाई के स्क्वायर माइनस 16। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 के स्क्वायर, 8 माइनस 16 हमारे पास आ जाएगा माइनस 8, देन आएगा प्लस 4 बाई के स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे, 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई के स्क्वायर। नेक्स्ट इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है,
और कंप्लीट स्क्वायर किसका बनेगा, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनेगा के माइनस वन बाय के होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से बना है, अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊँ, वैल्यू हमारे पास है के माइनस वन बाय के होल का स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूँ फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा के स्क्वायर माइनस टू इंटू के इंटू वन बाय के प्लस वन बाय के स्क्वायर, के के साथ कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास वैल्यूज आएंगी के स्क्वायर माइनस टू प्लस वन बाय के स्क्वायर। सो ये देखेंगे जो हमारे पास वैल्यू है ये इसके इक्वल है के माइनस वन बाय के होल का स्क्वायर। सो ये इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। सो इस वैल्यू को हमने क्लोज फॉर्म में ऐसे लिखा जो कि कंप्लीट स्क्वायर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप के की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। सो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जीरो से बड़ी है, वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। और जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इसका मतलब इसकी रूट्स रियल हैं। सो यहाँ पे हम एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे विच इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, हेंस इट शोज दैट रूट्स आर रियल। क्योंकि अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू के की रखेंगे तो आपके पास वो पॉजिटिव आएगी, और जब आपके पास कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो ज़ीरो से बड़ी होगी, क्योंकि उसका आंसर ज़ीरो से बड़ा आएगा। सो यहाँ पे हमने लिखा विच इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के, अगर ये के की तमाम वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है, हैंस इट शोज़ दैट द रूट्स आर रियल, तो इसका मतलब कि जो आपकी रूट्स हैं वो रियल हैं। और यहाँ पर कम्प्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है हमारे पास शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। इसमें हमने ये शो करना है कि इस इक्वेशन की रूट्स रियल हैं, और हमें पता है कि हमारी रूट्स उस वक्त रियल होती हैं जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। क्वेश्चन को एक बार हमने सोल्यूशन में लिखा, देन हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देन हम इसकी वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आएगी बी माइनस सी, देन हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस ए, एंड देन सी की वैल्यू हमारे पास आएगी ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, सो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर में हमारी वैल्यू आएगी सी माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस फोर ए। ए में आपके पास वैल्यू आएगी बी माइनस सी, देन सी में हमारे पास वैल्यू आएगी ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू सी माइनस ए होल का स्क्वायर, ओपन करेंगे सो यहाँ आएगा सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर। आई होप कि अब आपको स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना आता होगा। देन हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर, देन इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले बी को हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ से हमारे पास आएगा ए बी, देन बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ प्लस माइनस माइनस, सो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर। देन सी को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए सी, देन माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हमारे पास आएगा बी सी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर, को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ आएगा फोर ए बी माइनस माइनस प्लस फोर बी स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस फोर ए सी, देन आ जाएगा माइनस प्लस माइनस फोर बी सी। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस फोर ए सी, हमारे पास ही आ जाएगा प्लस टू ए सी। देन नेक्स्ट आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, देन हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस फोर ए बी, देन हमारे पास आएगा प्लस फोर बी स्क्वायर, देन लास्ट वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस फोर बी सी। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, और वो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी यूज़ किया था, और मैंने आपको काफ़ी डिटेल से वो समझाया था। मैं आपको दोबारा से एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये आपके पास फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। फार्मूले में देखें, सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, सो इक्वेशन में भी जो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं सबसे पहले हम उन्हें लिखेंगे।
सो यहाँ पे हमारे पास आएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस फोर बी स्क्वायर, देन रिमेनिंग वैल्यूज आप एज इट इज़ लिख लेंगे, आपके पास आएगा प्लस टू ए सी, देन आएगा माइनस फोर ए बी, देन हमारे पास आएगा माइनस फोर बी सी। जस्ट हमने अभी इस स्टेप में इसको रीअरेंज किया और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस टू बी होल का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा से ओपन करूँगी तो मेरे पास दोबारा से फोर बी स्क्वायर बन जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू बी होल का स्क्वायर। देन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्लस टू ए बी, सो हम इस इक्वेशन में यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये वैल्यू हमारे पास सी है। देन इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है ए बी सी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मेंशन किया है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाना था। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ए हमारे पास सी स्क्वायर है और बी हमारे पास ए स्क्वायर है, देन सी हमारे पास टू बी है, क्योंकि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अब मैं इसे सॉल्व करूँगी। देन नेक्स्ट हमारे पास टू ए बी है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस टू, ए हमारे पास सी है सो यहाँ हम लिखेंगे सी, देन बी हमारे पास ए है सो यहाँ पे आ जाएगा ए, देन हमारे पास टू बी सी है सो यहाँ आएगा प्लस टू, बी इक्वल है ए के सो यहाँ आएगा ए, देन सी इक्वल है टू बी के सो यहाँ आ जाएगा टू बी, देन इसकी लास्ट वैल्यू आएगी टू सी ए सो यहाँ पे आएगा प्लस टू, सी हमारे पास इक्वल है टू बी के, देन ए हमारे पास इक्वल है सी के सो यहाँ हम लिखेंगे सी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं क्या जो हमने इक्वेशन बनाई है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। सो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सी होल का स्क्वायर, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो हमारे पास दोबारा से सी स्क्वायर बनेगा। सेम इसी तरह से ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। देन नेक्स्ट हमने फोर बी स्क्वायर को लिखा टू बी होल का स्क्वायर, इसको भी जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास दोबारा से यही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हमने लिखा टू ए सी, यहाँ पे भी हमारे पास यही वैल्यू थी सो ये इसके इक्वल है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है टू इंटू ए इंटू टू बी, अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ही बनेगा प्लस फोर ए बी, लेकिन अगर हम इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का है, सो हमें यहाँ पे भी माइनस का साइन चाहिए। माइनस का साइन लाने के लिए हमें इन तीनों में से किसी एक वैल्यू के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, देन हमारे पास ये वैल्यू माइनस में आएगी। सो अगर मैं यहाँ पे 2b के साथ माइनस लगा दूँ देन यहाँ पे भी मुझे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने c की वैल्यू पुट की थी। अगर c की वैल्यू मैं माइनस 2b रखूँगी तो यहाँ पे भी हम माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पे हम माइनस रख के इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये हमारे पास प्लस फोर बी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। सो इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसके साथ माइनस का साइन लगाया, और यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन चाहिए था तो हमने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक इस इक्वेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन को हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें क्लोज करना है। सो यहाँ पे हमारे पास था ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इस इक्वेशन को लिखें सो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी सी प्लस ए माइनस टू बी होल का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को जब मैं ओपन करूँगी तो मेरे पास दोबारा से यही इक्वेशन बनेगी, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, और जब हमारे पास कोई वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर हो जाती है तो इसका मतलब वो वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो ज़ीरो से बड़ी है, और जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब इस इक्वेशन की रूट्स रियल हैं। सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस रूट्स आर रियल, और हमने शो भी यही करना था कि इस इक्वेशन की रूट्स रियल हैं। तो ये शो हो गया कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसकी रूट्स रियल हैं। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।